हेलो फ्रेंड्स, सुंदर सी सुबह के साथ आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। हाँ जी, सुबह की शुरुआत हो रही है चढ़ते सूरज के साथ, तो आप भी दर्शन कर लीजिए सूरज के। बहुत ही सुंदर आजकल नज़ारा चला हुआ है। फॉग होती है जब मैं उठती हूँ, और सूरज निकलने के वक्त में ऐसा कुछ दिखाई देता है मेरे घर से व्यू, तो मैंने सोचा आपके लिए भी कैप्चर कर लूँ। तो मॉर्निंग में उठ के और क्या चाहिए, सुंदर सा नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा सा बालकनी गार्डन, यही सब चलता है। उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी वॉक करने के लिए। वॉक करने के बाद आके मैं बनाऊँगी नाश्ता। हाँ जी, तो वॉक करके आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है गाजर का पराठा। सभी लोगों को लगता है कि गाजर मीठी होती है और इसका पराठा इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप गाजर को कद्दूकस करें बारीक, और उसमें हरी मिर्ची डालें, थोड़ी सी तीखी मिर्च भी डालें, हल्का सा अमचूर पाउडर, या फिर आप चाट मसाला डाल लेते हैं, और धनिया, हरी मिर्च और अदरक थोड़ी ज़्यादा डालें। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं, और इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप बारीक तरफ से कद्दूकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा और बहुत स्वाद भी लग जाएगा। आप चाहें तो इसमें पनीर मिला सकते हैं बच्चों के लिए। तो जो बच्चों के लिए बना रहे हैं, बीच में चीज़ या पनीर मिलाएंगे तो पराठा और भी बढ़िया बनता है। और आप ऐसे जॉइंट करके पराठा बनाते हैं तो फीलिंग सारी अंदर होती है, और बच्चों को देख के खुशी भी होती है ऐसी चीज़ें, और खाने में भी उनको बहुत ही मज़ा आता है। दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी करारे पराठे बनते हैं ऐसे, और ये मैं खा रही हूँ आज मक्खन के साथ। तो शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो दिन में कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी, राजमा पड़े थे वही खाए थे, तो आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ, आपको दिखा दी। तो देखिए, शिमला मिर्च बहुत ही अलग अलग तरीके से मैंने बताया है आपको बनाना। यहाँ पर मैंने सीधा ज़ीरा डाल के और इसमें आलू डाल दिए थे। आलू को ढक के 2-3 मिनट पकाया, आलू एकदम लाल लाल क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा इसमें हल्दी थोड़ी सी डाली है, और मैंने लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर की प्यूरी डाली थी, इसमें एकदम बारीक करके पिसे हुए टमाटर डाले हैं। अब इनको नमक डाल के अच्छे से पकाऊंगी, एकदम बढ़िया से गल जाने चाहिए और रोस्ट हो जाने चाहिए। मसाला भून रहा है, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ा है, अदरक भी नहीं है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सेजवान सॉस। इसमें लहसुन भी है, अदरक भी है, इससे इसका टेस्ट बहुत बेटर हो जाएगा। तो जब तक मसाला भून रहा है, मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से पोंछ के और कट किया था, और इनको सूखा ही डालें वरना ये एकदम कड़वी कड़वी लगने लग जाती हैं, गीली नहीं होनी चाहिए। और शिमला मिर्च हमेशा थोड़ी कच्ची रहे तो ही सब्ज़ी में बहुत स्वाद लगती है, और पिज़्ज़ा में भी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि रोस्ट हुई होती है, कच्ची होती है। तो आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पकाए नहीं इसको, अभी थोड़ी देर पका के खुला ही मैंने इसको पका लिया है, और अपनी शिमला मिर्च की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और इसको धनिया से गार्निश कर दूँगी और खाने के लिए रेडी है। आप पूरी पराठा और नान के साथ भी इसको खा सकते हैं, आप मलाई वगैरह डाल के गार्निश कर सकते हैं, पनीर कद्दूकस करके इसमें डाल के आप मेहमानों को परोस सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिलीशियस सब्ज़ी बनती है ये। तो मैं शाम को ज़्यादातर जोड़ा रोटी बनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, ये रुमाली रोटी की तरह ही लगती है और सूखी सब्जियों के साथ बहुत ही स्वाद लगती है। तो इस वक्त में सब्जी तैयारी होने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और जल्दी ही डिनर कर लेंगे क्योंकि लंच नहीं हमने किया है। तो यहाँ पे मैंने आटा नरम मुलायम आटा गूंदा है और साथ ही बना रही हूँ जोड़ा रोटी। तो आपको भी दिखा देती हूँ ये रुमाली रोटी है, जोड़ा रोटी कैसे बनाएं आप। तो मैं 2 पेड़े लेती हूँ, 2 पेड़े को अलग अलग से थोड़ा बेल के बीच में घी हल्का सा लगा के और दोनों जोड़ों को साथ में ही मिला देती हूँ, और बहुत बड़ा सा बेल लेती हूँ, इससे पतली एकदम बहुत ही पतली सी
रोटी तैयार होती है, जोड़ा यानी कि छोटी रोटी भी बनती है, लेकिन रुमाली बनानी हो तो बहुत बड़ी रोटी, चकले से भी बड़ी रोटी बेल के और मैं इसको पका लेती हूँ, और दोनों रोटी एकदम से अलग से हो जाएंगी और ये बहुत ही टेस्टी वाली रोटी बनके तैयार होती है। आप कभी आलू गोभी की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, किसी के साथ भी ये रोटी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है हम दोनों को, और मैं ज़्यादातर इसको बनाती हूँ तंदूरी रोटी, और ये सब में मेरी फेवरेट रोटी है। तो इस रोटी को पॉकेट की तरह भी बना सकते हैं, बीच में सब्जी फिल करके बच्चों को आप बहुत अच्छे से पॉकेट बना के दे सकते हैं। तो मैं अभी सारी रोटी बना लूँगी और जल्दी खाना खा लेंगे। तो हाँ जी, मैंने डिनर की थाली लगा दी है। यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, साथ में मैंने काटे हैं टमाटर और उसमें नींबू डाल के नमक डाल दिया है। साथ में है जोड़ा रोटी यानी रुमाली रोटी, और साथ में मैंने पापड़ सेक दिए हैं। ये मेरे बेटे की थाली है, उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया है और अभी जा रही हूँ मार्केट। तो हाँ जी, रेडी होकर मैंने किचन में से ले लिया है बैग सब्जी लाने के लिए, और सबसे पहले अभी शाम हो गई है तो मैं सारी विंडोज़ बंद करके कर्टन लगा दूँगी। बहुत ही मच्छर फैला हुआ है, मलेरिया डेंगू हो सकता है इसके लिए। हाँ जी, तो रेडी होके मैं जा रही हूँ अभी भाजी लेने, हो गया टाइम 6:40 हो गया है। खाना भी खा लिया हमने, खाना बनाया साथ ही खा लिया, बहुत भूख लगी थी। चाबी नहीं ली है मैंने, गेट पे नहीं कराई ना। हाँ, थोड़ा और होती ना लड़ी तो और अच्छा लगता है। ये अच्छा लग रहा है पेड़। हाँ, ऐसे ही उसको भी थोड़ा और करते ना, बड़ा है ना घाट। हाँ, इसीलिए ना वो रुख बड़ा है ना। हाँ, वो रुख बड़ा है, पीछे से भी करते तो अच्छा था, लेकिन अच्छा लग रहा है। बाहर से लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, क्रिसमस के कारण सब जगह डेकोरेशन की हुई है, तो हमारी बिल्डिंग में भी थोड़ी बहुत की है, तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करके आपको बता दूँ। बाकी जगह पे तो बहुत ज़्यादा की हुई है, उस एरिया में भी मैं लेके जाऊँगी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेने आ चुकी हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लगती है सब्जी गुरुवार की मंडी, तो यहाँ पर मंडी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आसामान नहीं है और बहुत ही कम सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं। जो भी ज़रूरत थी वो सब लेके मैं अभी घर पे चली जाऊंगी जल्दी से, अंधेरा हो चुका है। आप तो वापसी पे मैंने सोचा आके इस झाड़ के पास मैं थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ, तो थोड़ा सा शूट कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी लगती है रोशनी, और ख़ासकर जब ये पेड़ों पर होती है, क्योंकि मैं आपको पता ही प्लांट लवर हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं घर पे सामान लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है आज, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा सामान नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी पड़ा हुआ है, एप्पल वगैरह पड़े हुए हैं, अनार पड़े हुए हैं। यहाँ मैं लाई हूँ शिमला मिर्च और टमाटर एज इट इज़, अदरक नहीं था तो अदरक लेके आई हूँ, और सब्जियों में सिर्फ मेथी और लौकी, और कांदा नहीं था, कांदा लेके आई हूँ, और लेके आई हूँ पटाना यानी मटर। तो मटर आ रहे थे तो मटर 50 रुपये किलो, उसके बाद जैसे मटर आने चाहिए वैसे नहीं। तो ये थी मेरी आज की ग्रोसरी, तो ये सब टमाटर लाल लाल और हरी हरी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च अभी अभी खाई है मैंने, लेकिन शिमला मिर्च सैंडविच में भी यूज़ होती है, और सब्जी तो कभी कभार ही बनती है, सैलेड में भी खाई जाती है, हम लोग खाते हैं इसको। तो अभी इसको यहीं ऐसे छोड़ के मैं चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद काम करती हूँ कुछ, अदरवाइज काम नहीं होगा, गर्म बहुत लग रहा है। देखो, जैसे कि मैं रूम में आई हूँ, ये उतार के रखे हैं कपड़े, सबसे ज़्यादा जी का जंजाल यही है मेरा कि कपड़े ढेर सारे यहाँ पर रखे हैं तय मारने के लिए,
और ये अभी मैं तह मानने वाली नहीं हूँ, पहले मैं करूँगी चेंज, उसके बाद किचन में बर्तन पड़े हैं बर्तन धो लूँगी और उसके बाद सब्जी बैठ के छी लूँगी। पूरा दिन यही चलता रहता है अपना काम काज, तो ऐसी है लाइफ। जिंदगी एक सुपर सुहाना, बोलो मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, इसे जाने का क्या लोगे तुम। पता नहीं शीरे प्राणी का आज जरूरत नीचे जाए बड़ा सा हो गई गलत तुम के पास, प्राणी का स्वभाव है करने का, दौलत शोहरत ताकत जवानी और सुंदरता। महाराज अक्सर कहते थे इनमें से एक भी रत्न किसी के पास आ जाए उसके पिन्ने का